के रहवासी और सभी समाज सेवक प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जो दुर्घटना होकर आज करीब 2 साल आज पूरे हो रहे हैं, और इस दुर्घटनाग्रस्त में अनेक लोगों ने अपनी जीवित हानि हुई है। जो हमारे साथी जो छोड़ के चले गए हैं, उनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आयोजित किया है। उनकी यादगारी में आज हमारे यहाँ के कई कार्यकर्ता लोग हैं और कई समाज सेवक यहाँ पर लोग आए हैं कि उनकी जो दर्द भरी है, जो दुख, जो दुर्घटना जो घटी हुई है, उनके दुख जताने के लिए यहाँ पर सभी हम एकत्रित हुए हैं। हम अभी सभी ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित किए हैं। नमन करता हूँ सभी को कि इसके आगे जो दुर्घटनाग्रस्त जो पीड़ित लोग हैं, क्योंकि बहुत ही ये बारिश का भी सीजन है, और इस बारिश के सीजन में बहुत सभी को दुख यहाँ पर दुख उठाना पड़ रहा है कि सबके घरों में पानी जा रहा है और भी सारी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, और उसका निवारण करने के लिए सारे सभी जो समाज सेवक जो प्रतिनिधि सब मिलकर उसके ऊपर हल करेंगे। और यही हम प्रार्थना करते हैं कि आगे का जो यहाँ का जो पुनर्वसन जो है, वो पुनर्वसन की भी बात इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे कि पुनर्वसन किस तरह से आगे होगा, क्योंकि हर एक को पीड़ा हो रही है यहाँ पर, सब दुखी हुए हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि सबका यहाँ पर पुनर्वसन हो जाए। यहाँ जो पीड़ित लोग जो है उनको भी सहायता जो है, मदद जो है, वो मिलते रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज अपन इथे जमलो आहोत 2 जुलै 2019 रोजी ही जी दुर्दैवी घटना घडली होती, दिवाळ तुटली होती, आणि त्याच्यामध्ये 32 लोक जी आपलीच माता भगिनी बंधू मित्र जे आपल्यामधून स्वर्गवास झालेत, त्यांना आज आपण श्रद्धांजली देण्यासाठी इथे उपस्थित झालो आहोत। श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम संपलेला आहे, पण मला यापुढे सांगायचं आहे की 25 वर्षापासून आम्ही आज इथे राहत आलो आहे, आणि अनेक नेते इथे होऊन गेले जे इथून पुढे गेले, परंतु त्याने आमच्याकडे काहीच लक्ष दिलं नाही। आणि आजही डोंगरातून जो येणारा पाणी, भरधाव पाणी येतो आणि घरात घुसतो, बरेचशा लोकांना त्रास होतो, बरेचशा म्हणजे जेवढे डोंगरात जेवढे रहिवासी आहेत त्यांना प्रत्येकाला त्रास आहे पाण्याचा। हा 25 वर्षापासून लोक त्रास भोगत आहेत, पण अजूनही त्याच्यावरती कोणी निवारण केलेला नाही। तर मी हीच विनंती करेन की जी लोक इथून पाण्याबरोबर वाहून गेली, बरेचशी हातपाय तुटले, कुणाचे बरेचसा नुकसान झाला आहे, तर नुकसान भरपाई पण आतापर्यंत कोणाला भेटलेली नाही। तर मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की यावरती तुम्ही लवकरात लवकर आम्हाला काहीतरी सहकार्य करावं, आणि इथून जे झोपडपट्टीमध्ये राहणारे लोक आहेत जे वर्षानुवर्ष म्हणजे 25-30 वर्ष झाली आज पाऊस पाणी वारा याच्यापासून वंचित आहेत आणि खूप हाल सोसत आहेत। आज इथे लाईट नाही, पाणी नाही, तरीसुद्धा ही लोक इथे राहत आहेत, तर त्यांना लवकरात लवकर इथून कुठेतरी चांगल्या पद्धतीने कुठेतरी पुनर्वसन द्यावा ही मी विनंती करेन।